आज मैं आपको बताऊंगी कि विंटर में हमें हैंड और फीट को किस तरह से केयर करना चाहिए जिससे हमारे हैंड और फीट एकदम अच्छे से मेंटेन रहे और हमारे हाथ स्मूथ एंड सॉफ्ट रहे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 टीस्पून पाउडर शुगर ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 टीस्पून ऑलिव ऑयल। आप दूसरा ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल विंटर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे हाथों को वार्म रखता है और हमारे हैंड को एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट रखता है। तो 4 टीस्पून आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए और 1 टीस्पून ग्लिसरीन और 1/2 टीस्पून लेंगे बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। बस हमारा DIY स्क्रब बनके तैयार है। विंटर के लिए ये स्क्रब बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे हाथ को बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है, हमारे सारे डेड स्किन को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। तो इसे हम ये बन चुका है, अभी इसके बाद हम अपने हाथों में लगा के इसका स्क्रबिंग करेंगे। अभी हम इस पर स्क्रब लगा के इसे हल्के हाथ से 5 मिनट के लिए मसाज कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से करना है क्योंकि इसमें पाउडर शुगर है और बेकिंग सोडा है। तो ये जो पाउडर शुगर और बेकिंग सोडा जो है वो हमारे हाथ को क्लीन भी करते हैं और हमारे हाथों के जो भी टैनिंग है उसे अच्छी तरह से रिमूव करते हैं। और ये जो स्क्रब है, ये स्क्रब करने से आपके ड्राई स्किन और आपके जो हाथ रफ़ हो जाते हैं वो आपके हाथों को एकदम मुलायम सॉफ्ट बनाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके हाथ ड्राई हो गए हैं तो आप इसे हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे आप 5 मिनट के लिए मसाज कर लीजिए और 5 मिनट के बाद इसे गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद इसे ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आपको बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऑलिव ऑयल मिलाया है, तो ऑलिव ऑयल आपको मॉइस्चराइज़र जैसा ही काम करेगा। तो आप इसे वॉश करने के बाद देखेंगे कि आपका हाथ जो है वो बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएगा। और आप एक बार ये स्क्रब करेंगे तो आप दोबारा फिर से इस स्क्रब का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो आप इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा हैंड कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट लग रहा है और हाथों में कितना अच्छा शाइन नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी विंटर में इस तरह का DIY स्क्रब बना के इस्तेमाल कीजिए। ये आपके हाथों को स्मूथ एंड सॉफ्ट के साथ ही साथ आपके हाथ को लाइटन भी करता है और मुलायम सॉफ्ट भी बनाता है। तो आप इस तरह विंटर में ये स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके हाथ को बहुत ही खूबसूरत बनाएगा। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। पैरों में भी हम स्क्रब लगा लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे, लेकिन हम इसे 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसे 15 मिनट के लिए ये स्क्रबिंग के साथ यूँ ही रहने देंगे क्योंकि हमारे जो पैरों का स्किन जो है वो थोड़ा हार्ड होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसे 10-15 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ेंगे तो आपकी जो ड्राई या डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर 5 मिनट के बाद आप फिर से इसे रब करेंगे तो आपके जितने भी ड्राई डेड स्किन है वो बहुत ही ईजीली रिमूव हो जाएंगे और आपके पैर एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट लगेंगे। तो आप टच करके देख लीजिए कि आपके पैर बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे। तो मैं इस तरह से विंटर में अपने पैरों को DIY स्क्रब से इस तरह से मसाज कर लेती हूँ। मुझे तो इतना ज़्यादा डेड स्किन नहीं है, लेकिन जिनको भी अगर डेड स्किन बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं और 10-15 मिनट के बाद आप इसे हल्के गुनगुने गर्म पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इसे तुरंत ही ड्राई करके आप सॉक्स पहन लीजिए। सॉक्स पहनने से इसका जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा और आपके पैर को ये स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगा। हमें विंटर में अपने हाथ और पैर का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होता है। तो अगर आप इस तरह से ये स्क्रब का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ जो है वो एकदम मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे बस आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, बस आपके हैंड और लेग जो है, फीट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगेंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो हाउसवाइफ है वो बार बार काम करते हुए अपने हैंड को वॉश करते हैं और ये कोरोना की वजह से हम कुछ ज़्यादा ही अपने हैंड को वॉश करने लगे हैं, बार बार हमारे हैंड को वॉश करने लगे हैं, तो इस वजह से हमारे हैंड और भी ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लाई हूँ, आप जो भी अपना हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आप ग्लिसरीन मिला दीजिए, उससे आपका जो हैंड है वो ड्राई नहीं होगा। तो मैं बताती हूँ आपको उसमें कितना ग्लिसरीन मिला से जो हमारा हाथ जो ड्राई हो जाता है तो हमारे हैंड को ये अच्छी तरह से मेंटेन रखता है और सॉफ्ट भी रखता है।
और बहुत सारे ऐसे जो हैंड वॉश है उसमें भी ग्लिसरीन ऐड होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और ज्यादा ऐड करेंगे, कम से कम अपने 2 टीस्पून के जितना इसमें मिलाना है। बस आप कितनी बार भी हाथ धोइए आपके हैंड को ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगा। बस उसे थोड़ा सा ऐसा शेक कर लीजिए, आप इस हैंड वॉश का इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे कि आपका हैंड जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं। लेते हैं उसमें ग्लिसरीन होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा ऐड कर देंगे तो ये हमारे हाथों को और मुलायम और सॉफ्ट कर देगा, और हमें बार बार हाथ धोने के जो टेंशन होता है ड्राई हो जाता है तो वो टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अगर आप इस तरह से अपने हैंड वॉश में ग्लिसरीन ऐड करते हैं तो आपके हैंड जो है वो स्मूथ एंड सॉफ्ट रहेंगे। तो आप भी इस तरह का जरूर ट्राई कीजिए। और जो हमारे हाथ और पैर ड्राई हो जाते हैं उसके भी एक वजह है, क्योंकि जिस तरह से हम गर्मियों में पानी बहुत सारा पीते हैं, विंटर में हम उतना सारा पानी नहीं पी पाते हैं क्योंकि हमें प्यास लगता ही नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, क्योंकि अगर जितना आप पानी पियेंगे उतना ही आपके हाथ और पैर मेंटेन रहेंगे। तो इसीलिए आप जो मैंने DIY बताया है स्क्रब, और उसके साथ साथ आप पानी भी पीजिए, और जो मैंने हैंड वॉश बताया है अगर आप वो सब या इस विंटर में अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तो आपके हाथ और पाँव बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे और स्मूथ एंड सॉफ्ट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये स्क्रब, एकदम मुलायम लगता है, तो बिल्कुल भी ये ड्राई जैसा फील होता नहीं है। और आपको ये जो स्क्रब मैंने आपको बताया है वो स्क्रब लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर भी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल है वो आपके हैंड में मतलब हैंड वॉश करने से निकलता नहीं है, तो वो अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। तो बस आप हैंड वॉश कर लीजिए और उसे ड्राई कर लीजिए, बस आपके हैंड एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।